सरकार जल्द दे दो, बेरोजगारों को सहारा दे दो। भावी कल रख करे पुकार, जल्दी जल्द दे सरकार। भावी कल रख करे पुकार, जल्दी जल्द दे सरकार। रख करे पुकार, जल्दी जल्द दे सरकार। भावी कल रख करे पुकार, जल्दी जल्द दे सरकार। भावी कल रख करे पुकार, जल्दी जल्द दे सरकार। सर हम एडवर्टाइजमेंट 5/2019 कलर्क भर्ती के लिए यहाँ आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा करीब 18,000 हमारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीवी पास किया है और उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो हुआ था जनवरी में। आज हम सभी लगभग हर जिले से एक 70 आए हुए हैं, एक या दो आए हुए हैं, तो कि हम अपनी मांग रख सकते हैं। जो भी हमारे साथ हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चेयरमैन साहब जो थे हमारे, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो हमारा कलर्क का जो भर्ती है वो इसी साल पूरी हो जाएगी। 2019 की ये बात है, ये आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग है। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद चेयरमैन साहब ने हमें स्टेटमेंट दी कि जो कलर्क और जेई का भर्ती है वो 31 मार्च तक पूरी हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो हमें लगा कि 31 मार्च तक हो जाएगी। उसके बाद कोरोना आ गया, हम भी मानते हैं और इस चीज़ में हम सरकार के साथ हैं और हमने इसी चीज़ के मद्देनजर रखते हुए हम करीब 1100 के आसपास छात्र हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हम सभी सिर्फ एक एक दो दो छात्र यहाँ आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जो कि मास्क के साथ भी। दूसरी बात, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो लॉकडाउन लग गया था उसके बाद स्टेटमेंट दी थी कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम 12,316 पदों को फाइनल जारी करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कलर्क का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ आपको, सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है, सरकार युवा के हित की है और सरकार बिना खर्चे बिना भर्ती की बात पर अटल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे कुछ युवा जो मेहनत करके नौकरी लगे हुए हैं, जो कि जेई वाली भर्ती में लगे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगा। सब भाई जो मेहनती थे और हम भी, ये जितने छात्र आप देख रहे हैं मेरे पीछे, सब मेहनत वाले बच्चे हैं जिन्होंने पेपर क्लियर किया, डीवी पास हुआ, उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट के लिए याद रख के खा रहे हैं। चेयरमैन साहब ने अब हाल ही में एक बयान दिया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सीएम साहब की स्टेटमेंट थी जब एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में स्पेशल उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, तो इन्होंने स्पेशल कहा था, आप देख सकते हैं कि कलर्क का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। उसके बाद क्या हुआ सर, राजेश कुल्लर साहब को, चंद्रशेखर धरनी है पंजाब केसरी न्यूज रिपोर्टर, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था राजेश कुल्लर सर का। राजेश कुल्लर सर ने भी यही कहा था कि जो कलर्क का रिजल्ट है वो बहुत जल्द जारी होगा, ये आप देख सकते हैं कटिंग हमारे पास है। लेकिन कल के बयान में जब ग्रुप डी की भर्ती क्लियर हुई है, वेटिंग क्लियर हुई है, तो न्यूज़पेपर में ये आया हुआ है कि कलर्क की जो भर्ती है उसका रिजल्ट 3-4 महीने के बाद आएगा। मैं चेयरमैन साहब से, सीएम साहब से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ और हमारे सभी ये भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित करो सर। हम अंधकार में हैं, 18,000 युवा भर्ती की वेट कर रहे हैं सर, और सिर्फ नौकरियाँ मैं बताना चाहूँगा 4,798 पोस्टें हैं जिनके लिए फाइनल होना है। सर चेयरमैन साहब, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कलर्क की पोस्ट के लिए धक्के खा रहे हैं सर, हमारा फाइनल रिजल्ट देकर लॉकडाउन में और कोरोना की इस महामारी में अंधेरे से हमें बाहर निकालो सर। हाथ जोड़कर आपसे यही रिक्वेस्ट है सर, धन्यवाद।